आइए क्रिकेट के न्यू अपडेट के साथ आप लोगों को बताते हैं कि आज एक बड़ा अफसोसनाक खबर है कि सरफराज को क्वेटा ग्लोरी का जो कप्तान था उसको हटाने का मशवरा दिया है। अगर आप पूरी खबर की जानकारी जानना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आपके ख्याल में सरफराज को क्वेटा ग्लोरी का कप्तान हटाया जाए नहीं हटाया जाए, आप हमें बयान दे सकते हैं। तो क्वेटा ग्लोरी की टीम के हुकूमत शायद अफरीदी निकाय के शायद अफ्रीका कराची के क्रिकेटर शाह अफरीदी ने कहना कि सरफराज को क्वेटा ग्लोरी की कप्तान से हटाने जाना मशवरा दिया। शायद अफरीदी ने कहा कि प्रोग्राम टीवी पर गुफ्तगु करते हुए कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग 8वीं शुरू होने से पहले क्वेटा ग्लोरी की मालिक नदीम उमर ने कहा कि मुझसे मशवरा ले। उन्होंने यही कहा कि सरफराज को खिलाड़ी तो खिलाएंगे ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन टीम के बजाय अपने परफॉर्मेंस अपने प्रेशर होता है तो वो अपनी गेम को रिज्यूम कर सकते हैं। शायद अफ्रीका का मजीद कहना है कि इस 8वीं सीजन में सरफराज को हटाया जाए क्वेटा ग्लोरी के कप्तान से। दूसरी शिकस्त की वजह से तो हर कोई क्वेटा ग्लोरी की जो फेमस है वो परेशान है। सरफराज खिलाड़ी मौजूद अच्छा खिलाड़ी लेकिन उसको हटाया जाए इसके लिए, लेकिन भले क्रिकेट में खेले लेकिन कप्तानी से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि क्वेटा की टीम की बहुत ज़्यादा तब्दीली की जाएगी, बतौर सरफराज को परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको टीम पर अच्छी, लेकिन कप्तानी से हमीद वसीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, टीम को लीडर को करना चाहिए क्योंकि टीम कप्तान की परफॉर्मेंस से ज़्यादा अहमियत रखती है, इसलिए सरफराज को हटाया जा रहा है कप्तानी से।